हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आप लोगों को ये चार क्वेश्चन देख रहे हैं, इनका जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो में आंसर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो है क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर के काव्य कुरुक्षेत्र की विषय वस्तु लिखिए। तो चलिए, इसके आंसर में हम लिखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर के काव्य कुरुक्षेत्र की विषय वस्तु महाभारत के युद्ध के आसपास घूमती है। यह काव्य महाभारत के युद्ध के विभिन्न पहलुओं को चित्रित करता है, जैसे कि युद्ध के कारण, युद्ध के दौरान की घटनाएं और युद्ध के परिणाम। काव्य की विषय वस्तुओं में कौरवों और पांडवों के बीच के युद्ध को मुख्य रूप से चित्रित किया गया है। काव्य में युद्ध के दौरान के कई महत्वपूर्ण घटनाओं को वर्णित किया गया है, जैसे कि अभिमन्यु की मृत्यु, द्रौपदी का चीरहरण और युद्ध के अंत में कौरवों की हार। काव्य में युद्ध के परिणामों को भी चित्रित किया गया है, जैसे कि पांडवों की जीत, कौरवों की हार और युद्ध के बाद के परिवर्तन। काव्य की विषय वस्तु में युद्ध के नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को भी चित्रित किया गया है, जैसे कि युद्ध के दौरान के नैतिक संघर्ष, युद्ध के परिणामों के प्रति जिम्मेदारी और युद्ध के बाद के शांति और सौहार्द। फिर हम निष्कर्ष हेडिंग डालेंगे, इसमें हम लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर के काव्य कुरुक्षेत्र की विषय वस्तु महाभारत के युद्ध के आसपास घूमती है और इसमें युद्ध के विभिन्न पहलुओं को चित्रित किया गया है। काव्य में युद्ध के नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को भी चित्रित किया गया है, जो कि महाभारत के युद्ध को एक नई दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सुमित्रानंदन पंत का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कि सुमित्रानंद पंत एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और लेखक थे। उनका जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुआ था। उनके पिता एक साधारण किसान थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया। पंत ने अपनी शिक्षा अल्मोड़ा और लखनऊ में पूरी की और उसके बाद उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना योगदान देना शुरू किया। उन्होंने कविताएं, कहानियां और निबंध लिखे जो हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हुई। पंत की कविताओं में प्रेम, सौंदर्य और जीवन के विभिन्न पहलुओं को चित्रित किया गया है। उनकी कविताओं में एक नए और अनोखे तरीके से जीवन को देखने की कोशिश की गई है, जो उनकी विशेषता है। पंत की कुछ प्रसिद्ध कृतियों में चितंबर, पल्लव और ग्रंथि शामिल हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य में एक नए युग की शुरुआत की, जिसे छायावाद कहा जाता है। पंत का देहांत 28 दिसंबर 1977 को हुआ था, लेकिन उनकी कृतियां आज भी हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, सुमित्रानंदन पंत के काव्य के क्रमिक विकास पर टिप्पणी लिखिए। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कि सुमित्रानंदन पंत के काव्य के क्रमिक विकास को निम्नलिखित चरणों में बांटा जा सकता है। तो फर्स्ट हेडिंग होगी प्रारंभिक काव्य, इसमें हम लिखेंगे इस चरण में पंत की कविताओं में प्रेम, सौंदर्य और जीवन के विभिन्न पहलुओं को चित्रित किया गया है। उनकी कविताओं में एक नए और अनोखे तरीके से जीवन को देखने की कोशिश की गई है, जो उनकी विशेषता है। फिर हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा छायावादी काव्य, तो इसमें हम लिखेंगे इस चरण में पंत ने छायावादी आंदोलन में भाग लिया और अपनी कविताओं में छायावादी शैली को अपनाया। उनकी कविताओं में प्रेम, सौंदर्य और जीवन के विभिन्न पहलुओं को चित्रित किया गया है, लेकिन इस बार एक नए और अनोखे तरीके से। फिर नेक्स्ट हेडिंग है प्रगतिशील काव्य, तो इसमें हम लिखेंगे इस चरण में पंत ने प्रगतिशील आंदोलन में भाग लिया और अपनी कविताओं में प्रगतिशील विचारों को अपनाया। उनकी कविताओं में समाज के विभिन्न पहलुओं को चित्रित किया गया है, जैसे कि गरीबी, असमानता और सामाजिक अन्याय। फिर नेक्स्ट हेडिंग होगा अंतिम काव्य, तो इसमें हम लिखेंगे कि इस चरण में पंत की कविताओं में एक नए और अनोखे तरीके से जीवन को देखने की कोशिश की गई है। उनकी कविताओं में प्रेम, सौंदर्य और जीवन के विभिन्न पहलुओं को चित्रित किया गया है,
लेकिन इस बार एक नए और अनोखे तरीके से। फिर नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा निष्कर्ष। इसमें हम लिखेंगे सुमित्रा नंदन पंत के काव्य के क्रमिक विकास में चार चरण हैं, जिनमें उन्होंने अपनी कविताओं में प्रेम, सौंदर्य और जीवन के विभिन्न पहलुओं को चित्रित किया है। उनकी कविताओं में एक नए और अनोखे तरीके से जीवन को देखने की कोशिश की गई है, जो उनकी विशेषता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अज्ञेय की कविता अस्ताद्य वीणा पर संक्षिप्त समीक्षा लिखिए। तो इसके आंसर में लिखेंगे हम कि अज्ञेय की कविता असाध्य वीणा एक प्रसिद्ध कविता है, जिसमें कवि ने एक व्यक्ति के मन की गहराइयों को खोजा है। कविता में कवि ने एक व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं को चित्रित किया है, जैसे कि उसकी इच्छाएं, उसके सपने और उसकी असफलताएं। कविता में कवि ने एक व्यक्ति के मन की गहराइयों को खोजते हुए उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं को चित्रित किया है। कविता में कवि ने एक व्यक्ति की इच्छाओं, सपनों और सफलताओं को चित्रित किया है, जो कि उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। कविता में कवि ने एक व्यक्ति के मन की गहराइयों को खोजते हुए उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं को चित्रित किया है। कविता में कवि ने एक व्यक्ति की इच्छाओं, सपनों और असफलताओं को चित्रित किया है, जो कि उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। उसके बाद हम इसमें लिखेंगे कि कविता की भाषा सरल और स्पष्ट है, जो कि कविता को समझने में आसान बनाती है। कविता के शीर्षक असाध्य वीणा का अर्थ है असाध्य वीणा, जो कि कविता के विषय को दर्शाता है। फिर हमारा यहाँ पे जो है नेक्स्ट हेडिंग होगा निष्कर्ष। तो इसमें हम लिखेंगे कि अज्ञेय की कविता असाध्य वीणा एक प्रसिद्ध कविता है, जिसमें कवि ने एक व्यक्ति के मन की गहराइयों को खोजा है। कविता में कवि ने एक व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं को चित्रित किया है, जैसे कि उसकी इच्छाएं, उसके सपने और उसकी सफलताएं। कविता की भाषा सरल और स्पष्ट है, जो कि कविता को समझने में आसान बनाती है। तो दोस्तों, ये थे इन क्वेश्चंस के आंसर। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।